ओके सो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे आप कैलेंडर देख सकते हो रमजान इवेंट का, या फिर इसे आप ईद इवेंट भी कह सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ अभी रमजान इवेंट नहीं बल्कि ईद इवेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जब इवेंट स्टार्ट होगा तो इसका जो पिक डेट एकदम से ईद के दिन ही कम्प्लीट होगा, मतलब ईद के दिन ही इसका पिक डेट होने वाला है। तो सबसे पहले इस इवेंट के बारे में मैं आप सभी को हर चीज़, मतलब ऑल टू ऑल चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे सेट कर देना है। गाइस, यहाँ पे जो अभी मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे सिंगापुर सर्वर है, इंडियन सर्वर है, यहाँ पे पहली बार के लिए यहाँ पे ईद इवेंट या रमजान इवेंट आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी भी रमजान इवेंट या ईद इवेंट नहीं आया है। अब यहाँ पे सीन क्या है, सबसे पहले ये कैलेंडर को लॉन्च किया गया है सिंगापुर सर्वर पर, ठीक है। एंड आप लोग को पता है सिंगापुर सर्वर के मैक्सिमम इवेंट जो सिंगापुर पर आते हैं वो इंडियन सर्वर पर दिया जाता है, बट यहाँ पर सिंगापुर पर देने के बाद इंडियन सर्वर पर यहाँ पर 2 से 2.5 घंटा बाद मिलता है, या फिर 2 से 3 दिन बाद, या फिर 1 दिन टाइम तो लगता है। अभी यहाँ पे कैलेंडर तो दे दिया गया है, अभी कैलेंडर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंडियन सर्वर पे यहाँ पे सेम टू सेम कैलेंडर आएगा अभी, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग होगा। सबसे पहले यहाँ पे इवेंट को आप देखोगे तो यहाँ पे 6 मई से स्टार्ट किया गया है, 6 मई से आपको सबसे पहले मिशन दिया गया है, और जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ गन के क्रेट एंड जेएन कैरेक्टर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 6 मई को ही प्ले इट फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कस्टम कार्ड है, कुछ टोकन है, एक फीमेल कॉस्ट्यूम है। अभी गाइस यहाँ पे इवेंट का जो टाइम है वो 5 मई लिखा गया है, बट इवेंट जो स्टार्ट टाइम है वो 6 मई है। पिक डेट की बात करें तो 13 मई यहाँ पे कुछ ऐसा पिक डेट है, जो कि ईद 13 या 14, मतलब 13 या 14 मई को ईद होने वाला है, तो इसी बीच यहाँ पे रखा गया है, मतलब ऐसा इवेंट को मतलब सजाया गया है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे 8 मई को एक इवेंट चलने वाला है, जहाँ पे आपको टोकन कलेक्शन करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे 12 तारीख को कॉल बैक इवेंट भी देखने को मिलेगा, 13 तारीख को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक वेपन है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे डायमंड वाल वाउचर है, देन यहाँ पे मैजिक क्यूब भी देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और मिशन है जहाँ पे हमें लूट बॉक्स वगैरह एंड गन के क्रेट दिख रहे हैं, लूट बॉक्स नहीं है, सर्व बोर्ड है, समझ रहे। तो ये चीज़ इतनी सारे रिवॉर्ड है, अभी यहाँ पे इसमें कुछ और भी रिवॉर्ड ऐड हो सकते हैं। अभी यहाँ पे तो ये तो सिर्फ कैलेंडर है, बट इसकी मेन चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस ये जो यहाँ पे कैलेंडर आप देख रहे हो जस्ट सिंगापुर सर्वर के लिए, अब यहाँ पे सेम टू सेम इंडियन सर्वर को कैलेंडर मिल जाए इसके चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रोबेबली चांस लगता है, एक कह सकते हो एक अपडेट कह सकते हो कि यहाँ पे चांस लग रहा है, बट यहाँ पे इंडियन सर्वर पे जाकर कुछ चेंजिंग भी देखने को मिल सकता है। आप बोलोगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ यहाँ पे चेंजिंग किया जा सकता है, बाकी ये मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिले। यहाँ पे मुझे मैजिक क्यूब में थोड़ी बहुत डाउट लगने वाले कि आपको मैजिक क्यूब देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हालांकि पहला टाइम है तो मैजिक क्यूब ग्रेना को देना चाहिए। सो गाइस, तो यहाँ पे सीन ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है कैलेंडर इवेंट में, मे बी यहाँ पे मैजिक क्यूब वगैरह को थोड़ा चेंज किया जाए, या फिर कुछ रिवॉर्ड को चेंज किया जाए, मे बी यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि सेम टू सेम आ जाएगा, बाकी क्या कुछ चेंजिंग होता है देर मैं आप सभी को आने वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप खुद गेस करके बताओ कि आपको लगता है कि चेंजिंग किया जाएगा या फिर सेम टू सेम उठाकर दे दिया जाएगा। अगर सेम टू सेम मिलता है तो भाई ओपी सीन होगा, बिकॉज यहाँ पे मैजिक क्यों मिले। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि रमजान इवेंट एंड जो ईद इवेंट प्लस कह सकते हो रमजान इवेंट प्लस ईद इवेंट, या आप लोगों को इंडियन सर्वर पे मिलेगा या नहीं, तो ये कंफर्म है कि मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे गरेना ने ऑफिशियली कह दिया है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये कोई लिक्स नहीं है कि आप लोग को मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्म है। बट यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है ये थोड़ा बहुत लिक्स है, जहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, बाकी जो कैलेंडर इवेंट था मैंने आपको समझा दिए, बाकी कुछ चेंजिंग आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप बताना यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है या नहीं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।